शमनो विष्णु हूँ, गायत्री मंत्रार्थ प्रकल्प, अंकुर नागपाल, दिल्ली। ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद एवं सामवेद में पठित तत्सवितुर वरिण्यम इत्यादि वेद राशि गायत्री मंत्र के रूप में प्रसिद्ध है। यज्ञोपवीत संस्कार के समय आचार्य अपने शिष्य ब्रह्मचारी को इस मंत्र का उपदेश देते हैं, इसीलिए यह सभी द्विजातियों का मुख्य गुरु मंत्र कहलाता है। चाहे ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ, प्रत्येक यज्ञोपवीत संपन्न द्विजाति को तीनों संध्याओं में 108 या तो फिर 28 बार जप करना चाहिए। गायत्री की महिमा पुराण, आगम, स्मृतियों में पर्याप्त उपलब्ध है, अतः यहाँ उसका संग्रह करना अभिष्ट नहीं है। किंतु जिज्ञासु लोग गायत्री मंत्र के अर्थ को जानने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। यद्यपि अग्नि पुराण आदि में विस्तृत गायत्री मंत्रार्थ उपलब्ध है तथा अनेक आचार्यों ने अपने संप्रदाय के अनुसार अनेक प्रकार से गायत्री के मंत्रार्थ को लिखा है, तथापि स्मृतियों का प्रमाण सभी पुराणों से तथा ऋषि वाक्य का प्रमाण सभी संप्रदायाचार्यों के मनोभावों से अधिक बलवान होता है। अतः जिज्ञासुओं की सुविधा के लिए यहाँ महर्षि भरद्वाज के द्वारा कथित सुबोध गायत्री मंत्रार्थ का अनुवाद किया जा रहा है। भारद्वाज स्मृति में गायत्री का निम्नलिखित मंत्रार्थ उपलब्ध है। पदानि दश मंत्रस्य तदादीनि यथाक्रमात् पदम प्रत्यर्थ निष्पष्टिहि स्पष्टम तु क्रियते त्रहि। गायत्री मंत्र में तत् आदि 10 पद है। यहाँ प्रत्येक पद के अर्थ की निष्पष्टि स्पष्ट की जाती है। तत् आदि 10 पद, इसका विवरण है। तत् सवितुः वरेण्यम भर्गः देवस्य धीमहि धियः यः नः प्रचायत। ये 10 पद शब्द है। तत् इति द्वितीय कवचम अनेन जगत्पत्ति स्थिति लय कारणभूतम औपनिषदम निरुपम तेज सूर्यमंडलाभिधेयम परब्रह्म तेज इत्यर्थ अभिधीयते। तत् यह पद तत् शब्द की द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। इसके द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण उपनिषदों में प्रतिपादित सूर्यमंडल में स्थित उपमा रहित तेज स्वरूप परब्रह्म कहा गया है। सवितु इति षष्ठे कवचम औषुढ़ प्राणी प्रसवे इत्यस्य धातोः एत द्रुपम सर्वस्व भूत जातस्य प्रसवितुः इत्यर्थः। सवितु यह पद सवितु शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। यह औषुढ़ प्राणी प्रसवे अर्थात प्राणियों के प्रसव जन्म को बतलाने वाली शुंग धातु का रूप है। इस पद का अर्थ है सभी उत्पन्न होने वाले भूतों यानी के प्राणियों का प्रसव करने वाले का। वरेण्यम वरणीय प्रार्थनीय नियमादि भी अपगल कल्मशेय सततम ध्येयम वरेण्यम अर्थात वरण करने योग्य प्रार्थना पूर्णतः इच्छा करने योग्य तथा नियम आदि के द्वारा पाप को दूर कर चुके लोगों के द्वारा सतत ध्यान करने योग्य। भर्गः भंजो आमर्दने ब्रुज भर्जने इत्योतयो इत्येतयोः धात्वोः भजताम पाप भर्जन हेतु भूतम इत्यर्थः। भादीप्तो इत्यस्य धातो वा भर्ग भर्ग अर्थात नाश अर्थ वाली। भंजो आमर्दने एवं ब्रुज भर्जने धातुओं के अनुसार अपना भजन करने वाले के पापों का भर्जन नाश करने वाला अर्थात दीप्त अर्थ वाली भादीप्तो धातु के अनुसार तेज। देवस्य वृष्टि दाना दिगुण युक्तस्य
निरतिशस्य इत्यर्थः दिव्यते प्रकाशत्वात्। किसका वर्ग? तो कहते हैं देवस्य अर्थात वृष्टिदान अर्थात वर्षा करने आदि गुणों से युक्त निरतिशय के ज प्रकाश रूप होने से जो देव सबके इच्छा का विषय है। धीमहि ध्येय चिंतायां निगम निरुक्त विद्या रूपेण चक्षुषा यो असावादित्ये हिरण्यमय पुरुष सोहम इति चिंतायामि। धीमहि अर्थात ध्येय चिंतायाम अर्थात चिंतन अर्थ वाली ध्येय धातु का छंदास रूप है जिसका अर्थ है कि मैं वेद और निरुक्त विद्या रूपी नेत्रों के द्वारा यह जो सूर्य मंडल में पुरुष है वह मैं हूँ ऐसा चिंतन कर रहा हूँ। धीयः इति छांदसत्वाद लिंगव्यत्ययः यत तेज सवितुः देवस्य वरेण्यम अस्माभिः अभिध्याताम भर्गो जपता पाप भजन हेतु भूत धीमहि उपासमहे तत तेजो नः अस्माकं दियो बुद्धि श्रेयस्करेषु कर्मसु प्रचोदयात् प्रेरयेद् इत्यर्थः। धीयः यह शब्द धी शब्द की द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। यह पद छांदस होने के कारण लिंग व्यक्तय है अर्थात यत् इस नपुसंग लिंग पद के स्थान पर यहाँ भगवान वेद ने यह इस पुल्लिंग पद का उपयोग किया हुआ है। यहाँ तक संग्रहित अर्थ यह हुआ कि सविता देवता का जो भर्ग तेज हम सबका वरेण्य प्रार्थनीय है एवं जप करने वालों के पाप का नाश करने वाला है उस तेज का हम ध्यान अर्थात उपासना करते हैं। वह तेज नह अर्थात हम सभी के बुद्धियों को श्रेयस्कर अर्थात कल्याणकारी शरीर में रहते हुए अभ्युदय भोग एवं शरीर छूटने के बाद निःश्रेयस मोक्ष देने वाला कर्मों को करने में प्रचोदित अर्थात प्रेरित करे यह गायत्री मंत्र का अर्थ है। इस प्रकार हमने यहाँ महर्षि भरद्वाज के द्वारा प्रोक्त गायत्री मंत्रार्थ का अनुवाद प्रस्तुत किया जो ऋषि प्रोक्त एवं वेदानुकूल स्मृति वचन होने से सभी संप्रदायों एवं परंपराओं में समान रूप में पूजित है। सभी उपासकों को विशेषतः गुरुकुल में रहकर वेद अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारियों तथा गायत्री पुरुषचरण करने वाले साधकों को इस मंत्रार्थ का अनुशीलन एवं चिंतन करना चाहिए। प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि शुक्ल यजुर्वेद के भाष्य में धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज ने महर्षि भरद्वाज के द्वारा विचरित उपयुक्त गायत्री मंत्रार्थ का मात्र एक वाक्य में अनुवाद किया है। सवितुहु प्रपंचोत्पादयितुहु जगदुत्पत्ति स्थिति लय लीलस्य परमेश्वरस्य तद वेदांतेषु ब्रह्म विस्तु च प्रसिद्धं स्वरूप भूतं भर्गस्तेजो धीमहि यो नो अस्माकं दियो बुद्धि प्रचोदयात् सत्कर्म ज्ञानादिषु प्रेरयति। अर्थात इस प्रपंच का उत्पादन करने वाले एवं जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूपी लीला करने वाले सविता परमेश्वर के उस स्वरूप भूत भर्ग यानी कि तेज जो वेदांतों उपनिषदों एवं ब्रह्म ज्ञानियों में प्रसिद्ध है उसका हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों को सत्कर्म ज्ञान आदि में लगाया है। नारायण स्मृति ही।